हेलो दोस्तों, आपका दोस्त दीपक। हमारी वो सेफ इन्वेस्टमेंट वाली सीरीज चल रही थी, तो आज हम डिस्कस करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को। और लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि एनएससी क्या होती है, और एनएससी को हमने इसके साथ कंपेयर भी करना था, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं आपको पहले बता चुका था, इन दोनों की कैलकुलेशन को हम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो हम आते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे। आज की वीडियो थोड़ी हमारी लंबी होने वाली है, तो कोई बात नहीं, लेकिन यह है कि आपको अच्छे से पूरी वीडियो समझ आनी चाहिए। बस जैसे कि आप देख रहे हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम नाम से ही पता चल रहा है कि ये सीनियर्स के लिए होती है। और स्टार्टिंग में मैं कहता ही हूँ कि नॉमिनेशन का फॉर्म ज़रूर भर लेना जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो। तो और इसमें तीन नॉमिनीज इसमें हम भर सकते हैं कि हम तीन नॉमिनी को के लिए फॉर्म भर सकते हैं इसमें। तो इसमें सीनियर सिटीजन के लिए जो स्कीम है, ये एज 60 और 60 से ऊपर वालों के लिए होती है। और इसमें ये एक नया जो 2024 में जो दो नए रूल इसमें ऐड हुए हैं, जैसे कि जो वीआरएस ले लेते हैं, वीआरएस जो ले लेते हैं वो 55 में लेते हैं या 58 में लेते हैं, तो ये उनके लिए भी बेनिफिशियर है। तो वो जिस एज में वीआरएस ले रहे हैं उसके 3 मंथ्स के अंदर अंदर उनको ये स्कीम में एनरोल होना होता है। और अगर वो नहीं होते, फोर्थ मंथ हो जाता है, तो 4 मंथ्स के बाद उसको उन जो वीआरएस लेते हैं उनको 60 ईयर्स का वेट करना पड़ता है। तो इनकी ये इन्वेस्टमेंट लिमिट भी होती है इनकी, इनको 5 लाख तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें 30 लाख तक नहीं कर सकते वो। जब वो 60 से ऊपर हो जाएंगे तब वो 30 लाख की इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो ये हो गया 60 की एज और वीआरएस वालों के लिए क्या लिमिट है और कितने मंथ के अंदर अंदर इनको करनी है, 3 महीने के अंदर अंदर इनको ये इन्वेस्टमेंट करनी है वीआरएस लेने के बाद। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कि ये डिफेंस में जो सर्विस करते हैं, और वो डिफेंस वाले जो होते हैं वो 50 साल में अपने आप को रिटायर हो जाते हैं, तो ये डिफेंस वाले 50 ईयर्स में ही ले सकते हैं, इनको 60 का वेट नहीं करना पड़ता। जैसे कि अगर वो सिविल डिफेंस से रिटायर हुए हैं तो उनको 60 का वेट उसको 60 में ही करना पड़ेगा, वो 50 में नहीं कर सकते, ओनली डिफेंस से होना चाहिए। और इनकी इन्वेस्टमेंट 30 तक भी कर सकते हैं डिफेंस वाले, सिविल डिफेंस वाले नहीं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में है, उनकी अगर डेथ हो जाती है, जो डेथ हो जाती है, तो उनके वाइफ या हस्बैंड जिस एज में भी हैं, चाहे वो 40 हैं, 41 है, 45 है, 50 हैं, वो किसी भी एज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस वाली स्कीम को ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी पॉइंट एक नया इस बार का नया बना है रूल। एक ये रूल नया बना है 2024 में, और ये भी 24 में नया आया है रूल, गवर्नमेंट ने इस 24 में नए लेके आई है। और सिंगल और ज्वाइंट, इसमें तो आपको पता ही है कि जो सिंगल करवाता है तो वो सिंगल ही करवाता है अगर स्कीम करवाता है, और अगर वो ज्वाइंट में करवाता है तो हस्बैंड वाइफ ही कर सकते हैं, इसमें हम अपने बच्चे को नॉमिनी नहीं बना सकते। ओ सॉरी, जो ज्वाइंट में अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकते, इसमें हस्बैंड और वाइफ ही होने जरूरी हैं। और इसमें जो राइट्स रहते हैं वो फर्स्ट होल्डर के पास रहते हैं, सेकंड होल्डर के पास कोई भी आपके राइट्स नहीं है। ये नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ज्वाइंट में हस्बैंड और वाइफ जो फर्स्ट होल्डर रहेगा उसी के पास सारे राइट्स रहेंगे कि हमने कितनी इसकी बढ़ानी है, इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ानी है, कब निकालनी है, तो वो इन्हीं के फर्स्ट होल्डर के साइन से ही सब कुछ होगा। तो ये हो गया सिंगल और ज्वाइंट का, आपको बता दिया। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 से होती है और मैक्सिमम 30 लाख तक जाती है हमारी सीनियर सिटीजन की, 30 लाख तक हम कर सकते हैं। और 30 लाख ये नहीं है कि आपको फर्स्ट शॉट में करना है, आप कर सकते हो 5, कर सकते हो 10, कर सकते हो 6, कर सकते हो 7, कर सकते हो जितनी भी कर सकते हो, बट लिमिट आपको 30 तक ही मिलेगी। चाहे तोड़ तोड़ के कर सकते हैं, चाहे हम एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट रेट हमारा आ जाता है 8.20 फिक्स फॉर 5 ईयर्स तक। ये 8.20 जो है वो आपका फिक्स रहेगा, 5 साल तक, 5 ईयर्स तक फिक्स हो जाएगा आपका
8.20, ये अगर तीन तीन महीने में जैसे गवर्नमेंट इसको कम करती है बढ़ाती है तो आपके इस इंटरेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 5 साल तक सेम ही रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है, इंटरेस्ट इसका क्वार्टरली मिलता है और इसमें इंटरेस्ट की जो होती है वो डेट्स फिक्स होती हैं। एक तो 1 जनवरी होती है, 1 अप्रैल होती है, 1 जुलाई होती है, 1 अक्टूबर होती है। इसमें डेट भी फिक्स रहती है इन्वेस्टमेंट की। और मान लो 25 मार्च को आपने कोई अकाउंट खुलवाया है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ये करवा ली SCSS, तो क्या होता है कि आपको 6 दिन का जो इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा 1 अप्रैल को। लेकिन 1 अप्रैल को मिलना जरूर है, चाहे आप 25 को करा लो चाहे 20 को करा लो, तो 20 में आपको 11 दिन का इंटरेस्ट मिल जाएगा वो, ठीक है। तो ये आपकी हो गई इंटरेस्ट की डेट्स। और ये 5 साल अगर पूरे हो जाते हैं इस स्कीम को तो आप 3 साल बाद 3 साल के लिए आगे एक्सटेंड भी करा सकते हैं। हर 3 साल बाद एक्सटेंड कराना चाहो तो करवा सकते हैं। 5 साल पूरे हो गए, मुझे अगले 3 साल कराने, फिर एक्सटेंड करा लो, फिर आगे 3 साल के लिए एक्सटेंड करा लो। तो इसमें ये हमें फायदा मिलता है आगे 3-3 साल के लिए। और ये एक पोस्ट ऑफिस में भी होती है, ये गवर्नमेंट बैंक्स में भी होती है, तो बैंक में भी करा सकते हो, पोस्ट ऑफिस में भी करवा सकते हो इस स्कीम को। प्री मैच्योर विड्रॉल में क्या होता है कि अगर हमें कुछ जरूरत होती है तो अगर हम 1 साल से पहले निकलवाते हैं, अगर हमने 1st quarter 2nd quarter का इंटरेस्ट ले लिया और हमें चाहिए 3rd quarter में अपना पैसा वापस चाहिए, तो हम जो ऊपर के 2 quarter हमने इंटरेस्ट ले लिया है वो हमारा पैसा काट के हमें पूरा वापस मिल जाएगा। 1st year में ये होता है, लेकिन 1st year से 2nd year के लिए अगर हम पैसा निकालते हैं उसमें अगर हमें चाहिए प्री मैच्योर में, तो 1.5% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। 2 साल से 5 साल के बीच हमें 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी और 5 साल के बाद तो मैच्योर हो ही जाएगा। अब इसमें एक चीज और है, ये भी नया ऐड हुआ है थर्ड, ये क्या है कि हम जो एक्सटेंड कराते हैं ना 3 साल बाद, हमने 3 साल के लिए 5 साल हो गए, 3 साल और एक्सटेंड कराना है, उस 3 साल के दौरान अगर हमें प्री मैच्योर विड्रॉल करना है तो 5 से 6 साल के बीच में, अगर हम करते हैं 5वें से 6ठे साल के बीच अगर हम मैच्योर प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो हमें 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन 6 साल के बाद 6ठे साल 7वें साल 8वें साल कभी भी आप प्री मैच्योर करवाओगे, कभी भी आपको पैसे निकलवाना है तो कोई पेनल्टी नहीं है, कभी भी निकलवा सकते हो, तो 0 पेनल्टी है उस पर। तो ये आपको समझ आ गया होगा होप। अब टैक्स के लिए हम आ जाते हैं कि टैक्स बेनिफिट इसमें क्या होता है कि 80C का तो बेनिफिट हम ले सकते हैं, लेकिन 15H का फॉर्म भी हमें भरना पड़ेगा। और सीनियर सिटीजन के लिए आपको बताया था मैंने 15H होता है, और 15G जो होता है वो 60 से नीचे वालों के लिए होता है। और TDS का जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट, इसमें जो हमारे को इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है। 50,000 से ज़्यादा साल का अगर हमें इंटरेस्ट मिलता है तो वो हमारा उस पर टैक्स लगता है, TDS कटेगा ही कटेगा। अगर हम उसको बचाने के लिए 15H फॉर्म भर देते हैं तो हमारा नहीं कटेगा। तो ये हमारा टैक्स वाला पार्ट हो गया। बाकी लास्ट में आते हैं हम, इसमें डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट हमारे होते हैं कि ID प्रूफ हो गया, जो हर एक में लगते हैं, जैसे कि एड्रेस प्रूफ हो गया, इसमें पैन कार्ड मस्ट होता है, चेक अमाउंट का चेक जो हम देते हैं, और बैंक किस बैंक में आपका अमाउंट वो चाहिए हमें जो क्वार्टरली ट्रांसफर होएगा, तो उसके लिए हमें अमाउंट का चेक देना पड़ता है। तो आई होप कि ये वाली सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। और ये कोशिश किया करो कि जो आप यहाँ पे समझते हो ना वो आगे 60 से ऊपर वालों के लिए, या जो MIS हो गई, NSE हो गई, ये सब औरों के साथ डिस्कस किया करो, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ यार ऐसी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, आगे लोगों को पता चले, अवेयर हों लोग, सबको पता चले ऐसी इन्वेस्टमेंट, सेफ इन्वेस्टमेंट भी होती हैं और अच्छी होती हैं गवर्नमेंट की स्कीम, इसमें कोई पैसे का रिस्क थोड़ी होता है। तो मम्मी पापा के साथ शेयर करो, अपने दादा दादी के साथ शेयर करो ये वाली सारी इन्वेस्टमेंट्स को, सारी जानकारी जो आपको मिलती है आगे वो शेयर करा करो। और मैं ये देखता हूँ कि वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते, प्लीज़ इनको लाइक भी किया करो वीडियो को, तो इससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।